माहौल थोड़ा खामोश है, मतलब मतदाता खामोश है। वोटर्स में उत्साह की कमी है, वो किस तरफ इंडिकेशन करता है? डर हो रहा है तो बीजेपी के लिए नुकसान है, और तय कर रखा है तो बीजेपी के लिए फायदेमंद है। 370 लागू कर दिया, हटा दिया, राम मंदिर बना दिया, CAA लागू कर दिया, तो जो हम कह रहे हैं वो कर रहे हैं। लड़ाई सीधी सीधी नहीं है, सब लोग मिलके एक से लड़ रहे होते तो 1-on-1 फाइट थी, जो मोदी ने होने नहीं दी। कांग्रेस की एक और सबसे बड़ी समस्या है कि आप गठबंधन उसी से कर रहे हो जो आपको डुबा रहा है। न कंप्रोमाइज करने वाले लोग खतरे में हैं, जेल जा रहे हैं, कंप्रोमाइज करने वाले लोग जो है अच्छे से हैं। सब लोग जेल जा रहे हैं, नीतीश कुमार पे तो भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे, नीतीश कुमार की नीतियों का विरोध कर सकते हैं। जो भ्रष्टाचार के आरोप के बावजूद इधर आकर के बच जा रहे हैं, उन पर सवाल खड़े करिए। 400 पार का दावा है, तो कहीं ना कहीं जो है थोड़ा आपको लग रहा है कि जो है ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं है बीजेपी? वोटर, वोट, भीड़, इसमें बहुत फर्क। पत्रकार मनीष कश्यप नहीं है, लेकिन मनीष कश्यप को माइक लेकर उतरना पड़ा इसलिए कि बिहार के पत्रकारों ने अच्छा काम नहीं किया। इस टीवी न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अंसारुल हक। तो लोकसभा चुनाव का जो माहौल है पूरा गर्म है, और बिहार की अगर ख़ास तौर से बात करें, और बिहार की बात होती ही है, कोई भी लोकसभा चुनाव की बात हो और बिहार की बात ना हो तो मामला तो अधूरा रह जाता है। तो बिहार में तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, और इस बार फिर से जो है बिहार की कुछ महत्वपूर्ण सीटें जो है ख़ास तौर से चर्चा में हैं। पूर्णिया की बात हम कर रही है, सबसे बड़ा तो मज़ा इस बात को लोग ले रहे हैं सोशल मीडिया पे कि भाई कई सारे जगहों पे महागठबंधन के अभी कैंडिडेट का आता पता नहीं है। तो ऐसे में बिहार का मिजाज इस बार किस तरह का है, क्या इस बार बिहार में होने वाला है? वरिष्ठ पत्रकार अनुरंजन झा बिहार दौरे पे हैं और कई सारे लोकसभा क्षेत्रों का दौरा कर चुके हैं, इस वक्त एसटीवी न्यूज़ के स्टूडियो में हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं और इनके तजर्बे को जानते हैं। सबसे पहले सर, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला एसटीवी न्यूज़ के स्टूडियो में आए। बिहार की अगर हम बात करें, आप तो दौरा कर रहे हैं, कई सारे लोकसभा क्षेत्रों में गए हैं, क्या लग रहा है इस बार जो है मौसम बदल रहा है? सारुल, क्या है कि माहौल थोड़ा खामोश है, मतलब मतदाता खामोश है। मैं अभी 10-12 लोकसभा जिसका मैं अभी तक भ्रमण कर चुका, देख चुका, उसमें कोई भी ऐसी लोकसभा मुझे नहीं दिखी कि जहाँ पे बहुत वोकल हो वोटर और कह रहे हो कि नहीं जी अब की बार फलां की सरकार, ऐसा कहीं माहौल किसी भी पक्ष में, पक्ष या विपक्ष में, वो नहीं है। अब दो बातें होती हैं इस पूरे मामले में कि या तो वोटर बहुत खामोश इसलिए है कि उसने तय कर रखा है कि उसको किसके साथ जाना है, या वोटर इसलिए बहुत खामोश है कि उसको डर हो रहा है बोलने में कि उसको किसके साथ जाना है। तो डर हो रहा है तो बीजेपी के लिए नुकसान है, और तय कर रखा है तो बीजेपी के लिए फायदेमंद है, वे तय कर रखा है। तो ये दोनों बातें धीरे धीरे, अब देखिए एक हफ्ते बाद पहले चरण का मतदान है, लेकिन आप किसी भी इलाके में देखिए, मैं अभी 2 दिन पहले चरण के मतदान वाले क्षेत्र में भी था, तो वहाँ भी न पोस्टर, न बैनर, न माइक, न घूमने वाले लोग। दौर बदला है और हमें लगता है कि शायद उसका एक बड़ा कारण डिजिटल माध्यम है, सोशल मीडिया है, जिसके ज़रिए अब लोग गली गली में प्रचार पहुँचा पा रहे हैं। तो ये भी एक बड़ा माध्यम है और एक बड़ी वजह है कि प्रचार के तौर तरीके भी बदले हैं। लेकिन अभी थोड़ा मामला एक तरफा तो कहीं दिख नहीं रहा, चाहे किसी के भी पक्ष में हो, बिहार में खास तौर पे। तो ये अभी स्थिति जो मैंने देखा है मोटे तौर पे दिख रहा है। एक चर्चा ये भी चल रही है कि एक बड़ा हथियार 2024 के रिगार्डिंग था राम मंदिर, बीजेपी थोड़ा सा अर्ली उद्घाटन वगैरह सेरेमनी में तो इन्वॉल्व नहीं हुए? देखिए राम मंदिर एक बीजेपी को नहीं, उसमें अर्ली मैं इसलिए नहीं मानता कि अगर वो अब कर रही होती तो विपक्ष यही बात कहता कि बिल्कुल चुनावी मुद्दा है, चुनावी मुद्दा है, चुनावी मुद्दा है, और चुनाव की वजह से एकदम चुनाव से पहले कर रहे हैं। तो ये विपक्ष
के झांसे में तो बीजेपी नहीं आने वाली थी, तो उसने बहुत समय से पहले भी किया, अपने वादे पूरे किए ताकि अपने घोषणा पत्र में उस मुद्दों को अभी हटा सके, अब नीचे की तरफ टैगलाइन में लगा सके कि हमने जो वादे किए थे उसमें से ये काम हमने कर दिया, 370 लागू कर दिया, हटा दिया, राम मंदिर बना दिया, CAA लागू कर दिया, तो जो हम कह रहे हैं वो कर रहे हैं। तो ये बात कहने के लिए ना उसके पास पर्याप्त समय है। अगर मान लीजिए कि अप्रैल में चुनाव है और मार्च में वो शिलान्यास वो मंदिर का के पूजा कर रहे होते मंदिर की, तो फिर मामला बिल्कुल चुनावी होता। एक जो बीजेपी का जो अपना एजेंडा रहा है शुरू से, वो जिन मुद्दों को लेकर के वो हाईलाइट करती है, और कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल जो है स्वार्थ होता ही है, इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है, लेकिन वो जो एक माहौल बना था उस पीरियड में और अभी के माहौल में, क्या आप को जाहिर सी बात है थोड़ा अंतर तो महसूस होता ही है। तो ये इसलिए सवाल किया जा रहा है कि क्या थोड़ा सा समय से पहले ये सब चीज़ जो है प्लान कर लिया गया था। देखिए होता क्या है ना कि हम लोग आकलन करते हैं, और आकलन में चाहे वो पार्टियां हों या पत्रकार हों, कहीं ना कहीं आकलन में कई बार कमियां रह जाती हैं। हो सकता है कि पार्टियों के स्तर पर भी जो आकलन हुआ हो कमियाँ, लेकिन उन्होंने कोई भी पार्टी हो वो एक बहुत थिंक टैंक तरीके से काम करती है, उसके थिंक टैंक खराब हो तो अलग बात है, लेकिन वो बहुत सारे लोग होते हैं टीम में काम करते हैं, और मुझे लगता है कि वो इस बात को बार बार ये कह सकें कि हमने जो कहा वो किया, इसलिए उन्होंने थोड़ा सा प्रायर रखा। हालांकि जब वो मंदिर की पूजा हो रही थी तब भी बहुत सारे पत्रकारों से मेरी बात या लोगों से मेरी बात होती थी, सबका कहना था कि ये पेस पकड़ेगा, चुनाव तक रहेगा, और मैं शुरू से कहता था कि ये 15 दिनों की बात है, आज अगर पूजा हो रही है तो 15 दिनों के बाद इसका ढलान होना है, 15 दिनों के बाद इस पर कोई बात नहीं करेगा। मंदिर की पूजा हो गई, मंदिर में श्रद्धालु जाएंगे, पूजा करेंगे, नहीं जाहिर सी बात है। एक चीज़ और हम आपसे समझना चाहेंगे कि जैसा आप कह रहे हैं कि एक तरफा कुछ दिख नहीं रहा है और एक उत्साह की कमी लोगों में नज़र आ रही है, ये जो वोटर्स में उत्साह की कमी है वो किस तरफ इंडिकेशन करता है? आपको तो बहुत सारे चुनावों का तजर्बा है और बहुत सालों आपने जो है इस पर गहरी अपनी नज़र बनाई है, क्या कहता है पिछला इतिहास, क्या कहता है कि जो जब इस तरह के माहौल क्रिएट होते हैं, वोटर्स जब खामोश होते हैं, एक्साइटमेंट उनके अंदर नहीं होता है, तो पलरा किस तरफ भारी होता है, अपोजिशन या सत्ता पक्ष, दोनों हो सकता है। इसलिए कि वोटर खामोश है तो जैसे मैंने पहले भी कहा सरल कि दो चीज़ें हो सकती हैं, कि बिल्कुल उसने तय कर रखा है, मन बना रखा है कि आएगा तो मोदी ही, उसके मन में बैठ गया है भाई कुछ भी कर लो हमको उसी को वोट देना है, तो अगर वो वोटर है तो मन बना चुका है, और अगर वो वोटर है कि नहीं, उसने मन बना चुका है कि नहीं इस बार तो हम तुमको सिखा देंगे, तो वो वोटर भी हो सकता है। और जाहिर सी बात है कि भाई अगर 303 सीट के साथ 2019 में सरकार आ भी रही थी तब भी 40% से नीचे ही वोट थे ना, 37% वोट पे ही 303 सीटें आई थी, तो बाकी तो विपक्ष के लोग हैं ही ना। कमज़ोरी क्या है अगर मैं इस खामोशी को थोड़े विस्तार से समझूं और मैं दर्शकों को बताऊं अंसारुल, तो इसमें कमी विपक्ष की है, क्योंकि ये मौका था उनके लिए, उनकी एकजुटता के लिए, वन ऑन वन फाइट नहीं है ना, लड़ाई सीधी सीधी नहीं है, सब लोग मिलके एक से लड़ रहे होते तो वन ऑन वन फाइट थी, जो मोदी ने होने नहीं दी, वन ऑन फाइट उस व्यक्ति ने होने नहीं दी, सारे प्रयास के बाद जो वन ऑन वन फाइट कराने के सूत्रधार थे उन्हीं को उठा के अपनी पार्टी में बिठा लिया, तो भाई नीतीश जी को, तो अब वहां से बिखराव शुरू हो गया। आप वन ऑन वन कैसे करेंगे, ममता आपके साथ नहीं है, नवीन पटनायक आपके साथ नहीं है, केजरीवाल ने जो दिल्ली में कर भी लिया पंजाब में वो आपके साथ ऑलमोस्ट नहीं है, एक दो सीट में दाएं बाएं हो रही है चीज़ें लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है, अंदर अंदर आपकी लड़ाई है। और कांग्रेस की एक और सबसे बड़ी समस्या है कि आप गठबंधन उसी से कर रहे हो जो आपको डुबा रहा है, भाई आप ही की इस देश में लोकतंत्र जब से है, आज़ादी के बाद की बात कह रहा हूँ, मैं पहले की बात नहीं कह रहा, आज़ादी के बाद भाई सारे वोटर तो कांग्रेस के ही थे, कांग्रेस तो जो भी वोट बटे उसी के बटे हैं, अब उसमें सेधमारी बीजेपी ने भी की है, उसमें सेधमारी क्षेत्रीय पार्टियों ने भी की है, बीजेपी आज अगर किसी एक मुद्दे को अगर हम कहें कि हिंदुत्व का ही मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा तो बीजेपी का वही है ना भाई, आम जनमानस में वही बातचीत है,
विकास की बात होती है, राजनीति होती है, हर पार्टियां कहती हैं हम विकास की बात कर रहे हैं। विकास एक सतत प्रक्रिया है, विकास ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट कोई चेंजेज हो जाएंगे, वो कंटिन्यूस प्रोसेस है, वो चल रहा है। किसी की रिजीम में थोड़ा ज़्यादा तेज चलेगा, किसी की रिजीम में थोड़ा कम तेज चलेगा, किसी की रिजीम में विकास की परिभाषा थोड़ी दूसरी तरफ चली जाएगी जो बाद में नुकसानदेह होगी, किसी की रिजीम में वो ट्रैक ठीक रहता है, यही होता है, उसी को ठीक करना होता है। इन पूरी परिस्थितियों में क्या है कि जब आप आगे बढ़ रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, तो दोनों पार्टियां, जो भी बड़ी पार्टी बनी, सबने कांग्रेस के वोट अपने में ले लेकर अपनी जगह बनाई। उस परिस्थिति में विपक्ष की सबसे बड़ी कमजोरी है कि आप क्लियर नहीं हैं कि आप किसके साथ जाएंगे, आपके साथ कौन है। वहाँ वोटर हो सकता है कि खामोशी से बैठा हो कि तुम ही सुधर नहीं रहे हो तो हम क्या कर लेंगे तुम्हारा भला, ये भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है कि विपक्ष भी ये मान के चल रहा है कि आएगा तो मोदी। बहुत सारे दल होंगे उसमें, मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन बहुत सारे दल होंगे, क्योंकि आप अगर ये मान के नहीं चल रहे थे तो आपको, मेरा देखिए, मैं अगर बहुत फोकस होकर कहूँ तो नीतीश कुमार को इंडिया ब्लॉक का संयोजक बना देने में विपक्ष को क्या परेशानी थी। अगर उनको संयोजक बना दिया होता और उनको इज्जत के साथ कुछ सीटें बख्शी होती तो कहानी बदल जाती। देखिए, बीजेपी और जेडीयू का जो गठबंधन हुआ बिहार में इस लोकसभा चुनाव से पहले, और ये तय हुआ 15 और 18 सीटें दोनों ने बांट ली कि 15 जेडीयू के पास जाएगी, 18 बीजेपी को जाएगी, लेकिन एक सीट आपके इलाके से बिल्कुल करीब शिवहर की सीट लास्ट मोमेंट में बीजेपी ने छोड़ दी। अब बीजेपी ने छोड़ दी तो अब वो 18 से 17 पे आ गए और फिर वो 15 से 16 पे हो गए, नहीं तो 15-18 का बंटवारा इनके बीच हो चुका था, लेकिन लास्ट मोमेंट पे शिवहर की सीट उन्होंने छोड़ दी। और इसलिए छोड़ दी कि सच पूछिए तो मेरे जो इंटरनल सोर्सेज हैं वो बताते हैं कि जो वहाँ से सांसद हैं वो बुजुर्ग हो चुकी हैं, विरासत में कोई व्यक्ति नहीं है, मतलब उनकी पार्टी का, मतलब उनके परिवार का नहीं, उस पार्टी में कोई ऐसा लीडर उनको दिखा नहीं जो बीजेपी का झंडा वहाँ मजबूत कर सके शिवहर में, तो उन्होंने सीट छोड़ दी तो वो जेडीयू को चली गई, तो वो बराबर हो गया। अब जेडीयू को कुल मिलाकर अगर 16 सीटें मिल गई पिछले चुनाव की तरह, ये इज्जत बख्शने को इंडिया ब्लॉक तैयार नहीं था। अब इंडिया ब्लॉक कह रहा था कि भाई कांग्रेस भी है, आरजेडी भी है, बाकी लोग भी हैं, तो आप 10 सीट पर लड़ लो, 8 सीट पर लड़ लो। तो आप किसी पार्टी के नेता को संयोजक नहीं बना रहे, जो बिहार की सबसे बड़ी पार्टी में से एक पार्टी रही है, जिसके मुख्यमंत्री पिछले 18 साल से सत्ता में है, ऊपर से आप उनको लोकसभा की प्रॉपर सीट्स नहीं दे रहे। तो भाई उसको जहां लालच, हर किसी के मन में लालच होता है, उनको दिखा वो निकल लिए। लेकिन चर्चा ये होती है जन बहुत सारे लोगों के बीच जो है कि अभी दो तरह की राजनीति में जो है दो तरह की चीज़ें देखने को मिल रही हैं, एक है कि कंप्रोमाइज़ करने वाले लोग, एक है दूसरे न कंप्रोमाइज़ करने वाले लोग। न कंप्रोमाइज़ करने वाले लोग खतरे में हैं, जेल जा रहे हैं, कंप्रोमाइज़ करने वाले लोग जो है अच्छे से हैं। ये बात एक हद तक ठीक हो सकती है, लेकिन जेल कोई भी शरीफ आदमी नहीं जा रहा। एक भी व्यक्ति मुझे अंसारुल देख के बताइए कि क्या उस पर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है, क्या वो जेल जाने के बाद बाइज्जत बरी हो गया, क्या वो सजायाफ्ता नहीं हुआ, क्या उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। तो अगर वो जेल करप्शन के आरोप में जा रहा है, सवाल इसलिए भैया, ये सवाल इसलिए उठता है कि बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो उधर चले जाते हैं तो फिर जो है कोई कार्रवाई नहीं होती है, वो एकदम जो है भ्रष्टाचार मुक्त हो जाते हैं। सवाल ये इम्पॉर्टेंट है और इस सवाल का जवाब जो है उससे मिलता है। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये सवाल मैं भी अभी घूम रहा हूँ तो लोगों के सामने मैं रखता हूँ, नेताओं के सामने, कि भाई वॉशिंग मशीन बना रखा है आपने, तो वो लोग कहते हैं नहीं था, मतलब ड्राई क्लीन बना रखा होगा। भाई सवाल है, ये बिल्कुल मुफीद सवाल है कि आपने जिसको अपने पक्ष में ले लिया उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है, ये सवाल अलग है अंसारुल, इस पर हमेशा बात होनी चाहिए। लेकिन जो जेल जा रहे हैं उनके पक्ष में बात नहीं होनी चाहिए, मैं इसमें बड़ा स्पष्ट हूँ। जो जेल जा रहे हैं वो भ्रष्टाचार के आरोप में जा रहे हैं, उनको तो जेल जाना ही चाहिए। आप बात उस पर करिए कि जो भ्रष्टाचार के आरोप के बावजूद इधर आकर के बच जा रहे हैं, उन पर सवाल खड़े करिए, बीजेपी पर सवाल खड़े करिए या उन नेताओं पर सवाल खड़े करिए। लेकिन उस पर हम नहीं कह सकते कि भाई जेल इनको भेजा गया वो गलत काम है, नहीं,
करप्शन के आरोप है ना, और आप जेल चलिए, आप ईडी आपको थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लीडर हैं देश में आज की तारीख में भी, बहुत सारे ऐसे सेंट्रल में मिनिस्टर हैं, बहुत सारे राज्यों में हैं जिन पे करप्शन के चार्जेस लगे, भ्रष्टाचार के आरोप में उनको जेल जाना पड़ा, और आज जो है सबसे मुक्त होकर के अलग अलग जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं, महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। नहीं, मुक्त होकर के कुछ लोग निभा रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर सजा काट के ही निभा रहे हैं। मुक्त होने वाले बहुत कम। देखिए, करप्शन और दूसरे अपराध अलग अलग किस्म के अपराध हैं। मैं इस देश में अगर जितना जघन्य अपराध बलात्कार को मानता हूँ, उतना ही जघन्य मैं करप्शन को भी मानता हूँ, क्योंकि उससे नस्लें खराब होती हैं आपके भ्रष्टाचार की वजह से, और आप अथाह पैसा कमा रहे हैं, गरीब देश में गरीब लोग बढ़ते जा रहे हैं, तो ये समस्या है ना। तो करप्शन को लेकर के तो ये क्लियर लेना पड़ेगा स्टैंड की करप्शन में हम किसी के साथ नहीं हैं, और यही सबसे बड़ा नुकसान विपक्ष के दलों का है जो मोदी को चुनौती नहीं दे पा रहे हैं। भाई बिहार में ठीक है, नीतीश कुमार ने चार बार पलटी मारी, लेकिन पलटी तो तेजस्वी ने भी मारी, पलटी तो बीजेपी ने भी मारी, तो पलटू राम अकेले नीतीश कुमार क्यों है भाई? बीजेपी क्यों नहीं है? आरजेडी क्यों नहीं है? सब पलटू राम हो गए ना। और इतने तमाम समस्याओं के बावजूद सब लोग जेल जा रहे हैं, नीतीश कुमार पे तो भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे। नीतीश कुमार की नीतियों का विरोध कर सकते हैं, शराबबंदी फेल हो गई, आप कटघरे में खड़ा करिए, करप्शन बढ़ गया, आप कटघरे में खड़ा करिए, लेकिन करप्शन का उस व्यक्ति पे आरोप तो आज तक नहीं लगा। भाई आप उन पे आरोप सृजन की चर्चा हुई, और बिल्कुल चर्चा हुई, उसमें सवाल भी खड़े हुए, लेकिन ये काम अगर एजेंसियों का है तो साथ साथ अदालतें भी तो हैं भाई। सजा तो अदालत दे रही है, जेल आपको अदालत भेज रही है, जमानत आपको अदालत दे रही है। उसमें अगर हम ये मान के बैठ जाएं कि अब तो कुछ भी नहीं हो सकता, अब तो अदालत भी मोदी जी के इशारे पे चल रही है, और तब तो हाथ पे हाथ धर के बैठ जाइए भाई, फिर तो आप होपलेस हो गए ना। ऐसा नहीं है, बिहार में 40 में से 39 सीटें पिछले लोकसभा में एनडीए के पास थी। आप कह रहे हैं कि इस बार उस तरह की चीज़ें नहीं देखने को मिल रही हैं, तो हालांकि इस बार 400 पार का दावा है, तो कहीं ना कहीं जो है थोड़ा आपको लग रहा है कि जो है ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं है बीजेपी? देखिए मैं एक चीज़ बताऊं दर्शकों को, ये बात बताइएगा, बीजेपी बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है। 400 पार वो आपको सुना रही है, उसको मालूम है कि उसको क्या करना है, वो आप में हवा भर रही है 400 पार की, उसको पता है कि हम कहाँ खड़े हैं, वो फाइट वहाँ कर रही है। मैं जितना बिहार घूमा हूँ भाई, 7 चरण में चुनाव है बिहार में, 7वें फेज में है, क्या करवट बैठेगा बिहार नहीं मालूम, लेकिन 39 आता हुआ मुझे नहीं दिख रहा। अभी जितना मैं घूमा हूँ, 2-3 फेजेस के चुनाव के एरिया में घूम चुका लगभग, तो उसमें मुझे नहीं दिख रहा कि 40 आ रही है। अब अंदर वोटर एकदम जा करके, जब मैं बार बार कहता हूँ कि जब ईवीएम पे बटन दबाने जाएगा तो ईवीएम में उसको एक बहुत बड़े महापुरुष की एक तस्वीर नजर आ जाए और वहाँ बटन दब जाए तो कहानी अलग हो सकती है। एक चीज़ बहुत जो है चर्चा का विषय बनी हुई है, इसको आप किस रूप में देख रहे हैं कि विपक्ष जो है एकदम से उस तरह से तैयारियाँ उसकी नहीं है, कई सारे जगहों पे अभी अनाउंसमेंट नहीं है, जैसे मोतिहारी सीट की अगर बात कर लें तो मोतिहारी में भी अभी कैंडिडेट का पता नहीं है, बेतिया में कैंडिडेट का पता नहीं है, ऐसे कई सारे जगह हैं जहाँ पे कैंडिडेट का पता नहीं है, तो आपको क्या लग रहा है इन चीज़ों का नुकसान तो डेफिनेटली होना चाहिए? बिल्कुल होगा ना, उसी चीज़ का नुकसान हो रहा है। अब राहुल गांधी का क्या है, उनके कौन से सलाहकार लोग हैं? जब आपको सीटों के बंटवारे करने थे आप यात्रा पर थे, जब यात्रा करनी है आप सीटों के बंटवारे कर रहे हैं, ऐसे देश कैसे चलेगा भाई? भाई आपको जब कोलिशन गवर्नमेंट में आपको जाना है, सीटें जब बांटनी है तो आप घूम रहे थे, जब घूमना है तो आप सीटें बांट रहे हैं, ऐसे नहीं चलेगा, ये आपको बदलना पड़ेगा। और विपक्ष जितनी देर करेगा सीट कैंडिडेट की घोषणा में, उतना नुकसान होगा। आपका जो गृह क्षेत्र है, एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल हम आपसे इसलिए जानना चाहते हैं कि एक शख्सियत है वहाँ से, मनीष कश्यप, जो सोशल मीडिया पे जो है ना अपने आप में उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई, चाहे जिस रूप में भी हो, और आज वो इलेक्शन भी लड़ रहे हैं बेतिया से,
बेतिया से संजय जायसवाल जी भी जो है बीजेपी से लड़ रहे हैं, और अभी जो विपक्ष का कैंडिडेट है उसका भी पता नहीं है। कल रात में मेरे ख्याल से मनीष कश्यप से आपकी मुलाकात भी हुई, क्या लग रहा है मनीष कश्यप वहाँ पे क्या कुछ कितना स्ट्रेंथ दे पाएंगे और किस हद तक जो है अपने लड़ाई को आगे बढ़ा पाएंगे? देखिए, दो तीन चीज़ें हैं इसमें समझनी होगी। कल मैंने मनीष कश्यप को भी बोला था और मैं बाकी लोगों को भी बोलता हूँ कि सोशल मीडिया की भीड़ या पब्लिक जो आपको सुनने आती है वो भीड़ और वोटर, इसमें बहुत डिफरेंस होता है, ये एक बात समझनी होगी। दूसरी बात, मामला अभी जब तक महागठबंधन का मतलब यूपीए सॉरी जो भी कह लीजिए आप इंडिया ब्लॉक उसके गठबंधन से जब तक कोई कैंडिडेट की घोषणा नहीं होती तब तक सीन क्लियर नहीं है कि क्या किस करवट बैठेगा। हो सकता है वो इतना कमज़ोर कैंडिडेट हो कि लड़ाई फिर दो लोगों के बीच में हो जाए माहौल की वजह से, हो सकता है कि वो इतना मजबूत कैंडिडेट आए कि इनकी हवा नहीं बन पाए, कुछ भी हो सकता है, तो वो स्थिति है। लेकिन मेरा ये मानना है कि चूंकि सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, यूथ में पॉपुलर हैं, और बिहार की सरकार ने कुछ गलतियां की हैं, मनीष कश्यप पत्रकार नहीं है, उनको हमने कल भी कहा पत्रकार मनीष कश्यप नहीं है, लेकिन मनीष कश्यप को माइक लेकर उतरना पड़ा इसलिए कि बिहार के पत्रकारों ने अच्छा काम नहीं किया, इसलिए उसको समस्या उठानी पड़ी। और बाद में फिर बहुत सारी कमियां हैं, आप उसके और बहुत सारी चीज़ों पर बात कर सकते हैं, वो बहुत लंबी बात हो जाएगी, लेकिन थोड़ा इंटरेस्टिंग तो रहेगा चूँकि डिजिटल माध्यम का युग है, इंटरेस्टिंग रहेगा। बाकी चुनाव किस करवट बैठेगा, अभी तो माहौल है चूँकि अभी सिक्स्थ फेज में वो चुनाव है, इसमें अभी तो बहुत पानी निकलना है, तो अभी थोड़ा अर्ली है कहना, लेकिन वोटर वोट भीड़ इसमें बहुत फर्क। मोतिहारी तो मुझे कैंडिडेट ही नहीं दिख रहा, पिछले 10 दिनों में 8 कैंडिडेट के नाम आ गए, तो पहले तो विपक्ष ये तय कर ले, अब ये पहले ये तय नहीं था कि कांग्रेस आरजेडी, फिर आरजेडी, फिर आरजेडी ने छोड़ दी, फिर वीआईपी से कौन लड़ेगा पता नहीं, वीआईपी की हकीकत सबको मालूम है, अब वो कोई कैंडिडेट अगर नहीं मिलेगा ढंग का तो हो सकता है मुकेश सहनी खुद लड़ लें, तो वो किस करवट बैठेगा। अभी की स्थिति में मोतिहारी में मुझे फाइट नहीं दिख रही। आप शिवहर भी घूम करके आए हैं, शिवहर में ऋतु जायसवाल वहाँ तो कैंडिडेट फाइनल हो गया है, क्या स्थिति देख रहे हैं क्योंकि आप वहाँ से कल ही आप लौटे हैं? वहाँ फाइट है और वहाँ लवली आनंद के लिए रास्ता बहुत आसान नहीं है, वो तो बिल्कुल मुझे दिख गया। ये कैंडिडेट अगर कोई और होता तो अलग बात थी, लेकिन शिवहर अगर सबसे कमज़ोर सीट है एनडीए गठबंधन का तो उसमें से एक शिवहर है। आखिरी सवाल हम अगर आपसे इजाज़त हो तो कर लें, हालांकि ये बड़ा हाइपोथेटिकल सवाल है कि बिहार की 40 सीटों पर अगर आप अभी के सिनारियों के हिसाब से अगर आप आकलन करेंगे तो क्या बनता है परसेंटेज? अभी के सिनारियों में 39-40 तो नहीं है कहीं भी किसी के फेवर में, पिछली बार की तरह तो नहीं होने जा रहा, 2019 तो रिपीट नहीं हो रहा, 2014 और 19 के बीच में रहेगा कोई मामला। हाँ, तो कुछ कमज़ोर सीटें हैं जो जाएंगी, 40 पार तो खैर क्या ही होना है, 40 ही सीट है तो, लेकिन पता नहीं पब्लिक जो जन ये है ना, ये पब्लिक है सब जानती है, वो कुछ नहीं जानती है, वो अगर उस दिन जा कर के क्या माहौल पे वोट देती है ये आकलन अभी क्या है। देखिए प्रॉब्लम क्या है, हम लोग भी जब बात करते हैं ना ऑफ द कैमरा जो लोग बात करते हैं वो कहानी अलग होती है, ऑन द कैमरा जो लोग बात करते हैं वो कहानी अलग होती है, जैसे ही कैमरा ऑन होता है ना उनके बोलने के अंदाज किसके बारे में क्या बोलना है बदल जाता है। तो मैं तो कम से कम 100-200 लोगों से ऐसे ही चाय की टपरी पे बैठ के बात करता हूँ, उसके बाद मैं कैमरा सामने लाता हूँ, मैं गाड़ी कहीं दूर खड़ी करता हूँ, पहले जाता हूँ बात करता हूँ, फिर मैं चूंकि मेरे काम करने का वो तरीका है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 39-40 नहीं दिख रहा। हाँ, तो कम तो होगी। बात सही कही आपने, जनता ही इसमें, लोकतंत्र में तो जाहिर सी बात है ये जनता का ही सेलिब्रेशन है और जनता को ही तय करना है, हम लोग बस आकलन कर सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका दौरा चल रहा है कंटिन्यू, बीच में फिर आपसे बातें होंगी, आप यहाँ आए और इतना वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद अंसारुल, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, हमेशा अच्छा लगता है, शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।
तो वरिष्ठ पत्रकार अनुरंजन झा जी से बिहार और देश के चुनावी माहौल पर हम चर्चा कर रहे थे। तो जाहिर सी बात है अभी बहुत सारी तस्वीरें साफ होनी बाकी हैं, और लेकिन बिहार में एक जो चीज़ बहुत महत्वपूर्ण इन्होंने की वो ये है कि वोटर्स बहुत खामोश हैं इस बार। एक ऐसा नहीं है कि किसी के पक्ष में जो है लग रहा है कि बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट दिख रहा है लोगों को पिछले चुनावों की तरह, तो ये सत्ता पक्ष के लिए फ़ायदेमंद भी हो सकता है, घाटे का सबब भी बन सकता है। तो ऐसे में सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क तो विपक्ष की जो कार्यशैली है उस पर उठ रहा है कि अभी तैयारियां उनकी किस तरह की है कि बहुत सारे जगहों पे अभी भी लोगों को विपक्ष के उम्मीदवार का उसके नाम का इंतज़ार है। तो चुनावी चर्चा जो है जारी रहेगी, फिर हम आपको अलग अलग मुद्दे पर जो है महत्वपूर्ण शख्सियतों से बातचीत करके दिखाते रहेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए एसटीवी न्यूज़ के साथ।